आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया है। अविनाश पांडे को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रचार प्रसार कमेटी का प्रमुख अब सीपी जोशी की जगह महेश जोशी को बना दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस आलाकमान ने कमेटियों का गठन किया है। AICC में राजस्थान कांग्रेस में 9 कमेटियों का गठन किया गया। इस बार मैनिफेस्टो कमेटी नहीं बनाई गई है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है, जिसकी कमान राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के पास रहेगी। 28 सदस्यों की कमेटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रियंका की टीम के सदस्य जुबेर खान भी शामिल है। कैंपेन कमेटी की कमान फिर से मंत्री रघु शर्मा के पास रहेगी। इस कमेटी में को चेयरमैन महेंद्र जी सिंह मालविया को बनाया गया, जबकि शाले मोहम्मद और ममता भूपेश कन्वीनर होंगे। कमेटी में कुल 62 सदस्य शामिल हैं। कई विधायकों, पूर्व सांसदों और मंत्रियों को कमेटी में लिया गया है। छात्र राजनीति से जुड़े सुमित भगासरा और सतवीर चौधरी भी कमेटी में है। पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का चेयरमैन मुख्य सचेतक महेश जोशी को बनाया गया है। पहले सीपी जोशी इस कमेटी के प्रमुख थे, लेकिन सीपी जोशी अब विधानसभा स्पीकर बन गए हैं, लिहाजा महेश जोशी को कमान सौंपी गई है। अश्कली टांग, GR खटाना भी इस कमेटी में है। रणदीप धनखड़ को भी कमेटी में जिम्मेदारी मिली है। मीडिया कमेटी को पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कमेटी के चेयरमैन बरकरार हैं। इस कमेटी में सत्येंद्र राघव, अर्चना शर्मा भी शामिल हैं। इसके अलावा 21 प्रवक्ता और 37 पैनलिस्ट की भी सूची जारी कर दी गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ को पैनलिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। चुनाव प्रबंधन टीम और सब कमेटी का भी गठन किया गया है। AICC ने इन कमेटियों की घोषणा औपचारिकता के रूप में की है, क्योंकि अधिकांश चेहरे और कमेटियां वही हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी। सीपी जोशी की जगह महेश जोशी की नियुक्ति पर पहले ही मोहर लग चुकी थी। अब देखना यही है कि इनमें से अधिकांश कमेटियां पहले की तरह सिर्फ कागजों में सीमित रहेंगी या फिर सभी सक्रिय होकर चुनाव में काम करेंगी। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।